Hello students, today I am going to start the 8th part of class 6 physics and we will be starting part 8 of class 6 physics and the name of the chapter which we are studying is diversity and डिस्क्रिमिनेशन. ठीक है, इसी चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं. ये है चैप्टर नंबर 2. ठीक है, दिस इज चैप्टर नंबर 2 इन आवर सब्जेक्ट. हमारे सब्जेक्ट का ये चैप्टर नंबर 2 है, डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन. इसका आज हमें पार्ट 8 पढ़ना है. ठीक, तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि हमने इस चैप्टर में अभी तक क्या क्या चीजें पढ़ी हैं. ठीक है, क्या क्या चीजों के बारे में डिस्कशन किया है. ठीक है, सो फर्स्ट थिंग that we had discussed in the last lecture was what is inequality. Inequality क्या होती है, इसके बारे में हमने discuss किया. क्या होता है inequality, inequality के basis पर कैसे समाज में discrimination होता है, ये सारी चीजें हमने पढ़ा था. ठीक है, inequality के बाद हमने एक और बहुत important चीज पढ़ी थी, वो ये था कि व्हाट इज डिस्क्रिमिनेशन. ठीक, इनइक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन हम इस चैप्टर के लास्ट लेक्चर में पढ़ रहे हैं. ठीक, इसके बाद हमें ये जानने की कोशिश करेंगे कि इनइक्वालिटी का बेसिक मतलब क्या होता है, इनइक्वालिटी कैसे हमारे समाज में अंतर होती है. ठीक है, कैसे हमारे समाज का हिस्सा इनइक्वालिटी बन जाती है, ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है, after that we came across to the word name of discrimination. Okay, so discrimination is a type of inequality between many regions, classes and people. Okay, कई लोगों के बीच में, कई धर्मों के बीच में और कई क्लासेस के बीच में जब differences हो जाते हैं तो हम discrimination कहते हैं. When people start disrespecting each other on the basis of religion, class, classes, then that disrespect is known as discrimination. ठीक है, उसको discrimination का नाम दे दिया जाता है. ठीक, आगे बढ़ते हैं. उसके बाद हमने पढ़ा था तीसरी चीज के बारे में, और वो तीसरी चीज क्या थी, story of untouchables. Untouchables कौन सी कैटेगरी होती है? Untouchables are categorized as the lowest class of our society. हमारे समाज का सबसे जो नीच हिस्सा, इसको लोग समझते हैं. ठीक है, the lowest class of our society is considered as untouchables. ठीक है, untouchables का काम क्या होता है? These untouchables do the odd jobs. Odd jobs. Our jobs are the work like cleaning the train, cleaning the toilets, cleaning our surrounding, okay? Cleaning the garbages, these are the jobs, these are the works that is categorized under this odd job, okay? इन सारे कामों को एक कैटेगरी का नाम दिया गया है जिसका नाम क्या है, odd job. ठीक है, तो पहले चलो उसके साथ क्या किया जाता है, उसके साथ लोग भेदभाव करते हैं या डिस्क्रिमिनेट किया जाता है on the basis of their class, on the basis of their community they belong. ठीक है, तो on the basis of their community why untouchables are treated so badly, why it is a very big question that why untouchables are treated very badly, because people think that they don't have that much potential to match the level of other classes of society. ठीक है, so the thing is सोचते हैं बाकी लोग की जो अनटचेबल कैटेगरी के लोग होते हैं, ठीक है, उनको कोई भी अधिकार नहीं होता बड़े कैटेगरी के यहाँ पर क्लास के लोगों को बनाने में बैठने. ठीक, ये हो गई स्टोरी ऑफ अनटचेबल. ठीक है, इसके बाद हमने एक और चीज देखी थी चौथा, वो थी हाउ डॉक्टर अंबेडकर
face discrimination. Okay, डॉक्टर अंबेडकर ने कैसे डिस्क्रिमिनेशन का सामना किया ये हमने देखा. ठीक है, तो क्या हुआ अंबेडकर साहब का? The thing that happened to Dr. Ambedkar was he अंबेडकर साहब एक बार अपने पिताजी से मिलने कोरेगांव जा रहे हैं. ठीक है, so when he was traveling to कोरेगांव by train, ठीक है, the station master of the station came to him and asked that which category do you belong, ठीक है, where he has to go, ठीक है, तो अंबेडकर साहब के बाद खुल के बताया कि they are from the महार कम्युनिटी. ठीक है, वो महार कम्युनिटी से belong करते हैं जो कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी में अनटचेबल की तरह ट्रीट किए जाते थे. ठीक है, they were treated as untouchables in the Bombay presidency. And due to that, the station master started discriminating them on the basis of their caste. ठीक है, उनके caste के basis पे उस station master ने क्या किया? उनके साथ discrimination करना शुरू किया. ठीक है, तो discrimination के basis पे उसने किया था? उसने निर्णय लिया छोड़ दिया और वहाँ से चला गया. क्यों चला गया? आखिर ये बहुत बड़ा क्वेश्चन आया जाता है ना माइंड में कि आखिर क्यों चला गया? तो चला इसलिए गया क्योंकि वो उसके लेवल में बैठने लायक नहीं थे वो. ठीक है, वो स्टेशन मास्टर एक अपर कास्ट का आदमी था और ये लोग अनटचेबल कैटेगरी के थे. एंड ड्यू टू दैट ही डॉक्टर अंबेडकर वाज लेफ्ट अलोन विद हिज ब्रदर्स बाय द स्टेशन मास्टर. ठीक है, तो जब स्टेशन मास्टर को डॉक्टर अंबेडकर साहब ने बताया कि वो महार कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, वहाँ आस पास खड़े बहुत सारे लोगों ने उनकी बातों को सुना. ठीक है, इवन द बुलेट कार ड्राइवर, ठीक है, जो बैलगाड़ी चलाने वाले होते हैं, उन लोगों ने भी डॉक्टर अंबेडकर साहब की ये बात सुनी थी. एंड दैट इज वाई द बुलेट कार ड्राइवर या बैलगाड़ी चलाने वालों ने उन्हें कोरे गांव तक पहुँचाने के लिए मना कर दिया. ठीक है, क्योंकि यहाँ तक कि ये लोग उन्हें डबल किराया देने के लिए तैयार थे, फिर भी द बुलेट कार ड्राइवर्स डिनाइड टू कैरी देम अप टू कोरेगांव. ठीक है, तो कोरेगांव तक देने के लिए जो भी बुलेट कार ड्राइवर्स वहाँ पे खड़े थे उन्होंने मना कर दिया. ठीक, क्यों मना कर दिया? दिस वॉज जस्ट द स्टार्टिंग ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ हिज कैटेगरी. ठीक है, ही वॉज बिलोंगिंग टू द महार डिस्क्रिमिनेशन होता है उससे दूर होने के लिए लोगों ने कौन कौन से रास्ते
soft and civilization in the society. So first thing is class. Second thing is region. Third thing is community. Fourth thing is work. Fifth thing is class. ठीक है. Sixth thing is gender. इसके बाद सारी चीज क्या आती है, क्लास, रिलीजन, कम्युनिटी, वर्ग, कास्ट, जेंडर और कलर. ठीक है, इन चीजों के बेसिस पे हमारे समाज की डिस्क्रिमिनेशन होता ही होता है. आज भी इन सब चीजों पर डिस्क्रिमिनेशन होता है. ठीक है, तो अब हम कोशिश करेंगे ये जानने की कि कौन से ऐसे स्टेप्स थे जो इन लोगों ने अपनी इक्वालिटी को पाने के लिए किया. ठीक है, समाज में अपने ऊपर जो है डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने के लिए. ठीक है, इन्होंने कौन कौन से स्टेप्स लिए ये बात हमें करनी है. ठीक है, सो स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट मोमेंट मैंने से कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर ही किए थे, बट आज हम फिर से इसको शुरू से पढ़ेंगे. Gender discrimination for getting the equal rights as men got. Okay, so औरतों ने जो भी वुमेन्स थी, उन्होंने जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ ये आवाज उठानी शुरू की. ठीक है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन विच इज कॉज ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर. ठीक है, जेंडर का मतलब मेल और फीमेल के बीच की जब इनइक्वालिटी शुरू हो जाती है. ठीक है, लोग क्या करते थे पहले के जमाने में कि बॉयज और गर्ल्स में बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करते थे. ठीक है, they thought that girls are not eligible as compared to boys in the society. There are only several household roles that are only defined for women. ठीक है, केवल घर के ऐसे काम हैं जो औरतों के करने के लिए बने हैं. ठीक है, लेकिन बाहर जाके काम करना, बाहर जाके खेलना, पढ़ना लिखना, ये सारे लड़कों के काम. ठीक है, so women started to protest against the discrimination. ठीक है, they also wanted to get the right of education. ठीक है, so क्या होता था कि लड़कों को खाली पढ़ने की इजाजत थी, क्योंकि घर वाले केवल लड़कों को पढ़ाते थे, लड़कियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था. एंड दैट इज व्हाई द वुमेन्स स्टार्टेड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ नॉट एजुकेटिंग द गर्ल्स. ठीक है, सो girls started to protest for their right of education, to get equal educational rights as compared to men. ठीक है,
जो एजुकेशनल राइट्स थे, ठीक है, मेन के उनके बराबरी का अधिकार, शिक्षा का अधिकार पाने के लिए उन्होंने रिवोल्ट करना शुरू किया या प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। दे स्टार्टेड टू प्रोटेस्ट फॉर द एजुकेशनल राइट्स दैट वर गिवन टू द मेन एज वेल एज अदर क्लासेस ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। समाज के बाकी लोगों को जो अधिकार थे वो लड़कियों को भी मिलने चाहिए, इसी के सर्च में उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू किया, ठीक है। इसके थोड़ा सा और डीप में जाते हैं, तो डीप में ये पता चल रहा है women's also demanded for the freedom to work and in the society which was only given to men, ठीक है। तो गवर्नेंस ने यह किया कि अपने लिए फ्रीडम की भी मांग, ठीक है। जैसे कि आप बता कि पहले के जमाने में लड़कियों को बाहर निकलने नहीं दिया जाता, ठीक है। लोग ये सोचते थे कि बाहर निकलेगी तो हमारी बदनामी है या हमारी लड़की को लोग गलत समझेंगे। बट आफ्टर दैट व्हेन दे स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग दे आल्सो वांटेड टू गेट फ्रीडम टू डू द जॉब इन द सोसाइटी, ठीक है। वो लोग समाज में काम करने के लिए भी, अपने लिए काम करने का भी फ्रीडम चाहते थे, जैसा कि एक पुरुष को या एक मेल को मिलता था, ठीक है। दे वांटेड देमसेल्व्स टू बी ट्रीटेड इक्वली एज अ मेंस वर्क, ठीक है। दे वांटेड टू बी ट्रीटेड इक्वली as men were, ठीक है। जैसे जैसे पुरुषों को समाज में ट्रीट किया जाता है या उनकी जैसे इज्जत नहीं समाज में होगी, उसी टाइप की ट्रीटमेंट, उसी टाइप की इज्जत चाहती थी, ठीक है। सो दैट इज वाई द फर्स्ट प्रोटेस्ट फॉर इक्वालिटी इन सोसाइटी स्टार्टेड विद द जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। जेंडर के बेसिस पे इक्वालिटी पाने के लिए सबसे पहली लड़ाई महिलाओं ने स्टार्ट किया। सो दिस वाज देयर डिमांड, ठीक है। इन चीजों की डिमांड उन्होंने सोसाइटी में रखी, ठीक है। फर्स्टली दे वांटेड टू बी डिक्लेयर्ड, दे वांटेड द इक्वल फ्रीडम एज द मेल्स गॉट, ठीक है। वो उतनी फ्रीडम चाहते थे जितना एक मेल को दिया जाता था समाज, ठीक है। और वो पढ़ने का अधिकार था, ठीक है। पहले के समाज में उनको पढ़ने का अधिकार नहीं था, एंड दैट ऑन दैट बेसिस they also wanted to get educated, to complete their education as the men's do or the males get, ठीक है। जैसा कि males किया करते थे, उसी के हिसाब से इनको भी अपनी education पूरी करने का अधिकार मिले, इसी कारण इन्होंने protest करना start किया, ठीक है। So this was the first step taken by women against gender inequality. So now we will be discussing about the second step that was taken by
other aspects to get equilibrium. Okay, equilibrium के लिए जब दूसरे लोगों ने अपना कदम बताया आगे बढ़ाया, ठीक है, इसकी बात हम करेंगे. So first step was taken by women. ठीक है. Second step was taken by the untouchables. ठीक है. So in the leadership of Dr. B. Rao Ambedkar, ठीक है, अम्बेडकर साहब को हमारे संविधान की रचयिता भी कहा जाता है. ठीक है. एंड दैट इज व्हाई सो वन क्वेश्चन आई इन माय माइंड. That question is, when was our constitution implemented in India? ठीक है, हमारे संविधान को कब भारत देश में लागू किया गया, ये आप सबको find out करना. And which on which date and in which year? You have to find out when our constitution was implemented. ठीक है. So interpretation of Dr. B. Rao Ambedkar, the untouchable category, untouchable category started to protest for equality in our society. ठीक है, हमारे समाज में इक्वलिटी पाने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के लीडरशिप में अनटचेबल्स ने अपना प्रेस चालू किया. ठीक है, तो चालू होने के बाद उनको मिला क्या? ठीक है, व्हाट वाज द रिजल्ट दैट इट फेस व्हेन दे स्टार्टेड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी या इक्वलिटी. ठीक है, अनटचेबिलिटी को बैन करने के लिए, खत्म करने के लिए जब समाज में उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू किया तो कितनी सत्या क्या हुआ? अब कौन कौन सी ऐसी डिमांड्स थी जो उन्होंने रखी थी समाज के? ठीक है, लोगों के सामने क्या क्या चीजें उन्होंने पूछी थी कि हमें एक चीज भी करनी चाहिए, हमें चाहिए. ठीक है, तो वो सारी चीजें हम डिस्कस लाइन बाय लाइन पॉइंट वाइज करेंगे. ठीक है, तो पहली चीज जो इन्होंने डिमांड की थी वो ये थी, दे डिमांडेड participate in society. ठीक है, सबसे पहले इन्हें समाज में पार्टिसिपेट करने का एक भागीदारी करने का अधिकार माना. ठीक है, पहले क्या होता था कि अनटचेबल्स को समाज में लोग नहीं रहने दिया करते थे, उनकी बातें नहीं सुनते थे. ठीक है, जो गांव होता था गांव से दूर दूर जाना पड़ता था जहां पे अनटचेबल्स रहा करते थे, उनकी अलग बस्ती बनाई जाती थी. ठीक है, and due to this they were not allowed to participate in the society या जो भी public से related बातचीत होती थी उसमें इन्हें शामिल नहीं किया जाता था. and that is why they firstly demanded for the participation in society. ठीक है, ये सबसे पहले क्या किए इन्होंने, समाज में participate करने का फैसला किया. ठीक है, second चीज जो थी, They demanded the right to enter the temples. Again, जैसे कि मैंने अपने पिछले लेक्चर में बताया था कि untouchables were not allowed to enter the public temples. Again, so just to take their right to enter the temples, take their right to worship God in the public temples, they started protest against the no entry of temple. ठीक है, इनकी जो temples की no entry थी उसके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाना शुरू किया. ठीक है, और finally उन्होंने कह दिया कि इनको मंदिरों में जाने की
अनुमति या परमिशन मिल गई। ठीक है, सो बेसिकली इस परमिशन के पीछे उनका मेजर कारण क्या है? द मेजर रीजन व्हाई दे वांटेड टू एंटर द टेंपल्स वाज इंक्रीज द पॉसिबिलिटी ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन। ठीक है, पब्लिक पार्टिसिपेशन करने के लिए या उसको इंक्रीज करने के लिए इन लोगों ने मंदिरों में घुसने का अधिकार मांगा। ठीक है, और ये भी एक टाइप ऑफ इक्वालिटी है। ठीक है, जहां पे सारे लोगों की जाति है वहां पे भी ले जाने का अधिकार मिलना चाहिए। दैट इज व्हाई दे डिमांडेड फॉर द राइट टू एंटर इन द टेंपल। ठीक है, इसके बाद जो इनकी अगली मांग थी वो क्या थी? इसके लिए भी उन्होंने बहुत सारे प्रोटेस्ट किए, बहुत सारे कैंपेन्स लॉन्च किए। ठीक है,
under some category work to get the proper position and respect in the society. ठीक है, सोसाइटी में प्रॉपर इज्जत और स्पेस इन्हें मिले, इसके लिए भी इन्होंने बहुत सारी कोशिश की। ठीक है, पहले क्या था कि इनको अपने सामने लोग देखना नहीं चाहते थे, दे कंसीडर्ड देम एज अनटचेबल्स एंड दैट इज व्हाई लोग इनको अपने सामने नहीं देखना चाहते थे, इनको अपने घरों में नहीं घुसाना चाहते थे। ठीक है, तो इन चीजों को खत्म करने के लिए, इनको उनकी कम्युनिटी को रिस्पेक्ट दिलाने के लिए भी बहुत सारे प्रोटेस्ट अनटचेबल कैटेगरी के लोगों ने और इनके लिए डेवलपमेंट ने किया। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट द अनटचेबल कैटेगरी, द स्टेप्स टेकन बाय अनटचेबल कैटेगरी टू गेट अ प्रॉपर पोजीशन और टू गेट इक्वालिटी इन द सोसाइटी। ठीक है, सो द नेक्स्ट स्टेप्स दैट वर टेकन बाय द रिमेनिंग पीपल फॉर इक्वालिटी इन द सोसाइटी वी विल डिस्कस इन द अदर वीडियो। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ठीक है, टिल देन please complete the homework that I am going to give. Okay? The homework is to find out the basic rights given to women after their protest. ठीक है, protest के बाद ऐसे कौन कौन से अधिकार थे जो महिलाओं को दिए गए थे, ये आपको find out करना है। ठीक है, so stay tuned and thank you for watching.